गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। वैसे तो काफ़ी डिजीजेज हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। इसमें पैम्फिकस है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, लाइकन ग्रुप है, हेयर डिसऑर्डर्स जैसे एलोपेशिया है, रेटा है, डीएलई है, वेस्कुलाइटिस है। नंबर ऑफ डिजीजेज जो है वो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। तो मैं आपको पैम्फिकस के बारे में बताऊंगा। पैम्फिकस वुल्गैरिस एक रेयर और एक सीरियस डिसऑर्डर है। हमारे वर्ल्ड में 1 to 2% ऑफ पर्संस इससे इफेक्टेड है, और ये एक ऐसा डिजीज है जो बॉडी में काफ़ी फैलता है और काफ़ी पेनफुल होता है। हमारे पास केसेस आते हैं ओरल पैम्फिकस वुल्गैरिस के, जिनके मुंह में छाले हो जाते हैं और इतने भयानक छाले होते हैं कि उनका खाना पीना मुश्किल हो जाता है। पूरी मुंह भर जाता है, लिप्स भर जाते हैं और इतने पेनफुल होते हैं। ये एक ऐसा इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी ट्रीटमेंट मुश्किल है। मुश्किल मींस उसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं, इम्यूनिटी के जो खराब सेल्स हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ते हैं कि इसको कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। और पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो कंडीशन उसकी काफ़ी आगे बढ़ी हुई होती है, क्योंकि इनिशियली वो इधर उधर मेडिसिन करके जब हमारे पास आएगा तो उसको टाइम पीरियड ज़्यादा बढ़ने के कारण डिजीज जो है डीप रूटेड ज़्यादा हो जाता है। इम्यूनिटी क्या है? एक व्याधि क्षमता बोलते हैं इसको आयुर्वेद में। हमारी बॉडी में 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 धातुओं को जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म है उसको ओज और इम्यूनिटी बोलते हैं। जितनी बॉडी प्योरीफाई होगी, जितनी बॉडी में डिजीज कम होगी, उतनी ही इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा बढ़ करेगी। और जो डिजीज़ है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो इम्यूनिटी को एनहेंस करने में हेल्प नहीं करती, उसको डिग्रेड करती हैं, उतना ही कोई ना कोई इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर आपकी बॉडी में पैदा हो सकता है। पैम्फिकस वुल्गैरिस में आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसने डिजीज सेल बनाना शुरू किए। बॉडी के जो नेचुरल वात पित्त कफ है उसका बैलेंस जो खराब हुआ आपकी डाइट्री फैक्टर, जनरल फैक्टर और कई फैक्टर्स के कारण, उसको खराब होने के कारण सर्कुलेशन में आए और डिजीज सेल बने। वो डिजीज सेल जहाँ डिपॉजिट हुए, ये डिजीज हुआ। तो हमने इसकी ट्रीट कैसे करना है? इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम जो फॉल्टी सेल बना रहा है उसको बनने से रोकना है। आपकी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी मेडिसिन से इम्यून सिस्टम को एनहेंस करना है, और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें ओरल मेडिसिन और लगाने वाली एक्सटर्नल मेडिसिन दोनों को यूज करना है। आपकी बॉडी को बूस्ट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कई बार इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और अगर एक बार ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाए तो ये डिजीज जड़ से भी खत्म हो जाता है। एक्चुअली जो फैक्टर्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसके कारण ये बॉडी में इम्बैलेंस हुआ, अगर बार बार आप वही करेंगे तो ये बॉडी में बढ़ता जाएगा और डिजीज सेल और पैदा होते जाएंगे, और हमें उनको शरीर से बाहर निकालने में और बॉडी को प्योरीफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी बॉडी को हमने डिजीज फ्री करने के लिए इम्यूनिटी का जो मॉड्यूलेशन है वो ज़रूरी करना। आपकी बॉडी में दोष कौन सा खराब हुआ, कहाँ इम्बैलेंस हुआ, धातु कौन से खराब हुए, कहाँ तक दूषित हुए, कौन से जो वेस्ट हैं जो बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे, ये सब चीज़ें हमें जानने के बाद आपका ट्रीटमेंट पोर्शन है इजी हो जाता है। उसके बाद कई केसेस में हमने देखा है कि बॉडी के जो स्रोत हैं, जो चैनल्स हैं, वो बंद हो जाते हैं। उस बंद होने के कारण मेडिसिन का इफेक्ट कई बार कम मिलता है। हमें कई बार देखा है कि हम इतनी अच्छी मेडिसिन दे रहे हैं फिर भी उस पर इतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो पैम्फिकस और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर में हमने देखा कि आपके बॉडी के चैनल्स जो एक जगह से दूसरी जगह चीज को ले जाते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो हमें मेडिसिन का असर कम मिलता है। कई केसेस में हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पंचकर्मा थेरेपीज करनी पड़ती हैं जो बॉडी के स्रोत को खोलने में हेल्प करती है, और कई बार ये मेडिसिन से भी काम हो जाता है,
जिन केसेस में मेडिसिन का रिजल्ट कम मिलता है उन केसेस में हमें पंचकर्मा की हेल्प लेनी पड़ती है या कुछ ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है, ऐसी थेरेपीज देनी पड़ती है जो बॉडी को डिटॉक्स करे और आपके जो स्रोत है उसको खोले।